वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। देश में घुसने वाले आतंकियों का सफाया करने में एक और मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मामा ने अपने राज में लोकल गुंडे माफिया शराब तस्करों के राम नाम सत्य की पूरी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन एमपी में नक्सलवाद से निपटने में मामूली परेशानियों से तंग थे। फिर क्या राजनीति के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने नक्सलियों के आतंक की समस्या साझा कर डाली। सीएम शिवराज ने अमित शाह को बताया कि करीब 3 साल से उन तक पहुंचने वाले करीब 2.5 करोड़ रुपए नक्सलियों ने रोके हैं, लेकिन यकीन मानिए अमित शाह ने इन देसी आतंकियों की कब्र खोदने का ऐसा नायाब तरीका सीएम शिवराज को सुझाया है जिससे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे महाकौशल के कुछ इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी है। हालांकि ये नक्सली गतिविधियां छत्तीसगढ़ के मुकाबले बेहद कम है, लेकिन सरकार सतर्क है कि कहीं नक्सली पैर यहां पर पसर न जाए। बालाघाट, डिंडोरी और मंडला में लोकल यंग आर्मी तैयार करने के लिए युवाओं की भर्ती होगी, जिसमें 500 युवाओं की 5 कंपनियां तैयार करने का प्लान तैयार किया गया है। लेकिन अभी तक शिवराज सरकार को नक्सलियों से निपटने में कामयाबी भी मिली है, जिसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला जैसे कई जिलों में उद्योग स्थापित करते हुए विकास में तेजी लाने की योजना बना ली गई है। वीके न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला